नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे BSE शेयर के बारे में, क्या आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर करके देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, वो भी क्लियर कर देंगे। और इस शेयर में भी एक कंसोलिडेशन फेज़ और एक वीक सेंटीमेंट बना है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टॉक का जो है एनालिसिस जो है शुरू करते हैं गाइज। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे BSE शेयर के बारे में, इस शेयर के फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, क्योंकि आज आप देख सकते हैं इस शेयर में जो है तकरीबन आज हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 5 दिन में स्टॉक 5%, पिछले 1 महीने में 8%, पिछले 6 महीने में 153%, और आपको पता है कितना स्ट्रांगली और कितना जो है तेज़ मोमेंटम इस शेयर में हमें देखने को मिला। एकदम जो है स्टॉक ब्लास्ट हुआ है गाइस, जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग रैली और एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी बनी, लेकिन अब अपर लेवल में शेयर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है और एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आने के बाद जो था स्टॉक में हमें एक वीक सेंटीमेंट और एक वीक ट्रेंड जो था दिखना ही दिखना था गाइस, ये लाजमी था गाइस। बाकी अभी भी इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के एकदम बढ़िया है, आप देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम वगैरह में जो एक शानदार तेज़ी और एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है, और एक अच्छी खासी तेज़ी जो है स्टॉक में बनी है। लेकिन अपर लेवल में थोड़ा जो है शेयर ज़रूर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रेच जो है शेयर में आया है, काफ़ी बड़ा मूव जो है हमें देखने को मिला, ब्लास्ट हुआ था स्टॉक, तो अपर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आना और कंसोलिडेशन फेज़ आना लाजमी है। तो अगर आप इसमें अभी हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकले, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें बैठे, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे आपको यही राय रहेगा, BSE में आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कीजिए शॉर्ट टर्म में, जब तक इसका जो है कंसोलिडेशन फेज नहीं टूटता तब तक जो इसमें पोजीशंस मत बनाइए। तो चलिए अब आप जो है इसका चार्ट। तो गाइज, यहाँ पे आपको BSE का जो है चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप आप देख सकते हैं BSE का जो है क्या शानदार बना था। आपको पता है हमने आपके शेयर में 540 के टारगेट पे जो है बाइंग कॉल दी थी, और वहाँ से शेयर क्या स्ट्रांगली भागा और क्या एक तरफा ट्रेंड जो हमें शेयर में देखने को मिला, एक तरफा रैली जो है हमें शेयर में देखने को मिली है, स्टॉक जो है सीधा जो है ब्लास्ट हुआ है गाइज, और कहीं भी जो है रुका नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेयर है अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे अपर लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है इतना लॉन्ग स्ट्रेच आने के बाद। तो यहाँ पे अब जो है स्टॉक आने वाले टाइम में आपको फिर से जो है ट्रेंड दिखाएगा गाइज, अपवर्ड ट्रेंड दिखाएगा, और 3000 तक के टारगेट आपको जो है BSE में देखने को मिलेंगे। तो गाइज, मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, BSE में आप लोग जो है बेफिक्र के पोजीशंस बनाइए, कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगा और काफ़ी अच्छी रैली जो है आपको इस शेयर में देखने को मिलेगी। तो गाइज़, BSE शेयर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा, बेफिक्र के आप इस शेयर में पोजीशंस बनाइए, कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट सेटअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज जैसे ही टूटेगा तो अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी स्टॉक में बनेगी, और 3000 प्लस तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, BSE शेयर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगी, बेफिक्र होकर आप इस शेयर में पोजीशंस बनाइए। तो गाइज़, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।